हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचडीओ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम ले आए हैं आप लोगों के लिए ट्वेल्थ का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हमें अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो हमें स्टार्ट करने वाले क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चों, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो हम बच्चों आज देखेंगे कि आपने पार्ट वन में द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्या देखेंगे, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। सो अगर हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का अजब वो पोर्शन आपका फीमेल का, ठीक है, जिसमें आपके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं आपके, ठीक है, उनके बहुत सारे एजेस वर्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में वन बाय वन इन डिटेल में हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, तो उसमें हमारे पास सबसे एक्सटर्नल पार्ट जो आता है आपका फीमेल वजाइना इंक्लूडेड होता है आपका, जिसमें हम क्या देखते हैं कि आपके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या फिर अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप देखोगे कि जैसे कि अगर मेल्स और फीमेल्स में अगर स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम अगर देखोगे आप लोग, तो स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में क्या रहता है, अगर आप वन मंथ में अगर देखते हो जो आपकी इन्फेंट रेट रहती है आपकी, वहाँ पर एज अ मेल और फीमेल दोनों के पार्ट्स एज इट इज सेम होते हैं, बट ड्यू टू द रीजन ऑफ द चेंजेस ऑफ हार्मोन चेंजेस की वजह से धीमे धीमे दोनों पार्ट्स में क्या होता है, फर्दर डिफरेंशिएशन क्रिएट होता चला जाता है, ठीक है, धीमे धीमे करके पार्ट्स में क्या होता है, डिफरेंशिएशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि ओवरऑल चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ओवरऑल वन मंथ स्टार्टिंग स्टेज में ओवरऑल सब फीमेल्स ही होते हैं, लेकिन आफ्टर ड्यू टू द रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर हम कह सकते हैं आपके जितने भी हार्मोनिक बैलेंसिंग की वजह से उन पार्ट्स में धीमे धीमे डिफरेंशिएशन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बात करें वजाइना की, तो वजाइना हम लोग को क्या देखने को मिलता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर एज अ कवरिंग पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लेबिया मेजोरा का मींस होता है लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, लेबिया दैट मींस लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, मेजोरा मींस मीजर होता है बच्चों, क्या होता है, मीजर होता है, एज अ लिप्स लाइक स्ट्रक्चर मीजर होता है आपका, जो कि आपका मेन रिस्पॉन्सिबल है टू द कवरिंग ऑफ वजाइना, वजाइना को एक्सटर्नली क्या करता है बच्चों, कवर करता है। अगर आप उसके जस्ट नीचे देखोगे तो उसके नीचे जस्ट आपको सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे लेबिया मेनोरा। तो आपका जो लेबिया मेनोरा है वो पार्ट आपका जस्ट लेबिया मेजोरा के जस्ट इंटरनली पाया जाता है, और दोनों का वर्क एज इट इज आपका क्या होता है बच्चों, कवर करने का होता है वजाइना को, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपको उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। अगर आप लोग एज एक रिलेशन देखोगे इनके बीच में, जैसे कि अगर मेल पार्ट्स अगर आप रिलेशन देखना इंडिकेट करना चाहते हो, तो आपको क्या देखेगा, जो लेबिया मेजोरा का यहाँ पे वर्क है वो वजाइना को कवर करना है, एज इट इज आपका जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम का वर्क रहता है, स्क्रोटम के अंदर भी इसी तरीके से कुछ आपके जो एज अ टेस्टिस हैं या टेस्टिकुलर लेबल्स हैं आपके, वो आपके क्या रहते हैं, कवर रहते हैं। तो एज इट इज हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर लेबिया मेजोरा एज अ वर्क करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम की तरह, किस तरह वर्क करता है, एज इट इज स्क्रोटम की तरह। प्लस अगर मैं और पार्ट्स की अगर बात करूं, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपकी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में टू ओपनिंग पाई जाती हैं, दो ओपनिंग पाई जाती हैं आपकी, सबसे ऊपर जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग बच्चों, क्या बोलेंगे, यूरिथ्रल ओपनिंग जहाँ से यूरिन का एक्सक्रेशन होगा आपका, ठीक है, तो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, उसके जस्ट बिलो नीचे आपको देखने को मिलेगी एज अ वजाइना, उसके जस्ट बिलो आपको देखने को मिलेगा एज अ वजाइना देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। अब वजाइना में अगर हम लोग देखेंगे तो वजाइना में एक माइन्यूट सा एक पोर पाया जाता है, अदरवाइज आपकी ओवरऑल वजाइना जो रहती है आपकी कवर रहती है बच्चों, ओवरऑल वजाइना क्या रहती है, कवर रहती है, एक माइन्यूट सा पोर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट सा, ओवरऑल जो वजाइना आपकी कवर रहती है एक मेम्ब्रेन से कवर रहती है विच इज नोन एज हाइमेन, एक हाइमेन की मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको ऐसा कवर करके रखती है। अगर हाइमेन की मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन एंशियंट टाइम में या फिर आज के टाइम पे भी हाइमेन की मेम्ब्रेन एज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी मानी जाती है आपकी, एज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी का एज अ सिंबल हम कह सकते हैं, इस चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी यानी कि ये चीज़ इंडिकेट करती है कि फीमेल मैरिड है या नहीं है, इस चीज़ को भी इंडिकेट करती है। तो हाइमेन की मेम्ब्रेन जो होती है आपकी इन एंशियंट टाइम में इसको एज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी माना जाता था, बट इसमें एक स्मॉल सा पोर्स होता है आपका, उस पोर्स वो आपका एज अ रेगुलेट करने के लिए जो कि आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो आपके पीरियड्स आपके जो एज अ मंथली जो साइकिल चलती है आपकी, जो आपके ओवा आपका फर्दर डिग्नेट होकर सीक्रेट हो सके, उसके लिए एक माइन्यूट सा पोर होता है जहाँ से होकर आपका इजिली मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी जो कंडक्ट होती रहती है। आपकी जो आपकी हाइमेन की मेम्ब्रेन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था साइन ऑफ वर्जिनिटी माना जाता है आपका, तो इन एंशियंट टाइम में माना जाता था, लेकिन दे हैव टू बी अ डिफरेंस इज अ रीजन, यानी कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं
या फिर वजह है जिसकी वजह से आपकी मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। यानी कि अगर हम कहेंगे आपके मोस्ट ऑफ देम दोज गर्ल्स जो कि आपकी एथलेटिक्स होती हैं आपकी, या फिर एज अ डांसर्स होती हैं आपकी, या फिर अगर फीमेल ज़्यादा साइकिलिंग मूवमेंट भी करती हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपकी जो मेम्ब्रेन है हेमन वो आपकी फर्दर रप्चर हो सकती है। तो कोई एक रीज़न नहीं है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही आपकी मेम्ब्रेन रप्चर होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। दे हैव टू बी अ लॉट्स ऑफ रीजंस टू द ब्रेकिंग ऑफ अ हेमन मेम्ब्रेन, ठीक है। बट इन एंशियंट टाइम में एज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी माना जाता था आपका हेमन की मेम्ब्रेन को, ठीक है। इसके जस्ट बिलो अगर आप देखोगे तो एनस देखने को मिलेगा आपको, एनस जो कि आपके फीसिस को पास आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप देखते हो यहाँ पर, अगर आप देखोगे कि स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो आपको जस्ट एज अ यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर एक एज अ एक एक्सटेंडेड पार्ट देखने को मिलेगा जो कि एज अ कोरिलेट करता है आपका एकदम सेम एज अ पेनिस से। अगर हम लोग मेल पेपर पार्ट की बात करेंगे तो उससे रिलेट करता है आपका सेम टू सेम, ठीक है। तो एज अ एक एक्सटेंडेड पार्ट देखने को मिलता है जस्ट द ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रल ओपनिंग, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस जो आपका रहता है थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट रहता है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लाइटोरिस का जो वर्क है, जिस तरीके से एज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एज अ पेनिस का वर्क रहता है टू द स्टिमुलेट ऑफ अ सेक्स, हम कह सकते हैं सेक्स को स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एज अ फीमेल में क्लाइटोरिस का वर्क भी सेम होता है, ठीक है। जिस टाइम पे फीमेल एज अ स्टिमुलेट होते हैं आपके, तब आपका क्लाइटोरिस आपका इरेक्ट पोजिशन में रहता है। तो हम कह सकते हैं एज अ रिलेटेड एज अ रिलेशन ऑफ अ एज अ पेनिस, यानी हम कह सकते हैं एज अ पेनिस की तरह रिलेट करता है सेम। जैसे आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो पेनिस का जो वर्क होता है वही सेम आपका वर्क किसका होता है, क्लाइटोरिस का। अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पे एज अ फैटी डिपॉजिट टिश्यूज, एज अ फैट का डिपॉजिट टिश्यूज देखने को मिलेगा, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं मॉन्स पीबिस। मॉन्स पीबिस पर आप देखोगे फैट का डिपॉजिट टिश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। प्लस इसमें अगर आप लोग देखोगे तो फैट के डिपॉजिट टिश्यूज तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं, प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं आपके, यहाँ पे आपके पीबिक रीजन में आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं इस जगह पे अगर आप देखोगे तो। देन अगर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो हमें देखने को क्या मिलेगा, थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो हमें देखने को क्या मिलेगा, आपकी जो एज अ वजाइना है, अगर आप वजाइना पे अगर आप देखोगे तो वजाइना पे आपको एज इट इज एक इंटरनली अगर आप देखोगे तो एक ग्लैंड देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है आपकी वजाइना के थोड़े से इंटरनल मेम्ब्रेन्स में पाई जाती है बच्चों, है ना। जिसका मेजरली अगर हम लोग वर्क देखें तो बार्थोलिन एक म्यूकस का सीक्रेशन करती है, वो म्यूकस आपका एज अ वजाइना को लुब्रिकेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। जो आपकी वजाइना को एज अ ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब वजाइना बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में क्रिएट हो जाती है तब उसको लुब्रिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिससे कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो बार्थोलिन ग्लैंड का मेन वर्क क्या रहता है बच्चों, मतलब लुब्रिकेशन ऑफ अ वजाइना, वजाइना को लुब्रिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमने कहीं हद तक एक एक करके वन बाय वन हमने ओवरऑल पार्ट्स के बारे में जान लिया है, ठीक है। अब हम बताता हूँ आपको, थोड़ा कंसिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना हुआ था आपके पोर्शंस। अच्छा, प्लस एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना, जो आपकी वजाइना है उसमें जो इंटरनल ओपनिंग होती है उसके जस्ट इंटरनल ओपनिंग में, यानी कि वजाइना की जो ओपनिंग होती है वो आप देखोगे तो आगे कंटिन्यूसली चल के सर्विक्स में ओपन होती है बच्चों। सर्विक्स आपका वो पार्ट होता है आपका जो कि बहुत सारी चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अगर आपके मन में एक सवाल आता हो, क्या आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ऐसा होता है आपका कि इनकेस अगर हम लोग लेके चलें, जैसे कि अगर कोई फीमेल है और अगर किसी अगर एज अ मेल पर अगर हम कह सकते हैं एज अ एक एक अगर केस किया किसी भी तरीके का जिसमें फीमेल ने बोला कि हाँ उनके साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट केस है आपका, तो आप कैसे पता करोगे कि सेक्सुअली हैरेसमेंट केस है या फिर सेक्सुअली डिजायर्ड केस है, क्योंकि हो सकता है कि शायद फीमेल उसमें हो सकता है मेल को फंसा भी रही हो। तो आज के टाइम पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट इन एंशियंट टाइम अगर हम लोग थोड़े टाइम पुरानी बात करें, जिस टाइम हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तब हम लोग उस टाइम पे कैसे मेजर करते थे। तो बच्चों, जब आप फीमेल के एज अ वजाइना में एज अ फिंगर्स इंसर्ट करके आप देखोगे कि जो आपके सर्विस की जो वॉल है, अगर सेक्सुअली हैरेसमेंट केस होता है आपका, तो ऐसी कंडीशन में सर्विस की वॉल जो होती है वो ठीक से रप्चर हो जाती है, क्योंकि उसमें फीमेल एज अ कोशिश करती है एज अ क्लोजर टू सर्विक्स, जिसकी वजह से आपकी सर्विस की वॉल दे हैव टू बी डायरेक्टली रप्चर्स हो जाती है बहुत सारे ढंग से, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मली सेक्सुअली डिजायर केस है देन उस केस में आपकी सर्विस की वॉल इतनी रप्चर नहीं होती है। तो उसी के बेस पर मेजरमेंट करके हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते थे कि अगर सेक्सुअली हैरेसमेंट केस है या फिर आपका एज अ सेक्सुअली डिजायर केस है।
और अगर आप लोग देखोगे तो कंसिस्ट ऑफ अ मॉन्स प्यूबस, अगर हम देखते हैं तो मॉन्स प्यूबस जो है आपका वो फैटी टिश्यू से कवर्ड बाय द स्किन, यानी कि आपका मैंने बताया आपको मॉन्स प्यूबस जो है आपका फैटी टिश्यू से कवर्ड स्किन रहता है, प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। लेबिया मेजोरा की बात करें तो लेबिया मेजोरा एक्सटेंड फ्रॉम द मॉन्स प्यूबस, मॉन्स प्यूबस से बाहर का पोर्शन होता है आपका एंड सराउंडेड बाय द वजाइनल ओपनिंग, और जो कि क्या करता है बच्चों वजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखता है। लेबिया मेजोरा की बात करते हैं तो फोल्ड ऑफ स्किन होती है आपकी जो कि इंटरनल ऑफ लेबिया मेजोरा पाया जाता है। लेबिया मैंने बता दिया बच्चों लिप्स लाइक स्ट्रक्चर मेजर होता है आपका। हाइमेन मेम्ब्रेन एज ए साइन ऑफ वर्जिनिटी मानी जाती है, तो हम कह सकते हैं पार्शियली कवर द वजाइनल ओपनिंग, जो कि आपका पार्शियली कवर करते हैं किसको, वजाइना को। क्लाइटोरिस की अगर हम बात करते तो क्लाइटोरिस एट द फंक्शन ऑफ द लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस का वर्क जो रहता है आपका वो लेबिया मेजोरा की तरह ही रहता है, यानी कि हम लोग कहते हैं लाइस, यानी कि लेबिया मेजोरा की जस्ट आपके अबव साइड में होती है आपकी, जिसका वर्क एज अ सेम आपके पेनिस की तरह होता है, जिसके कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका पेनिस का काम होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना एक्स्ट्रा जेनिटेलिया तो कवर कर लिया। अगर हम एक अनदर पार्ट में एक और बात करें तो हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स आपकी वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी ये चीज़ इंडिकेट करने के लिए कि हाँ हम लोग मैमल्स हैं, यानी कि एक वर्ड जो बोला जाता है कि हम लोग अगर किस फाइलम से बिलोंग करते हैं तो हम लोग मैमल्स से वर्ड यूज़ किया जाता है, फॉर द रीजन बिकॉज हमारे पास सबके पास क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब मेमोरी ग्लैंड्स होती मेल्स के पास भी हैं, फीमेल्स के पास भी होती हैं, बट फॉर द रीजन ऑफ हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से जिसकी वजह से क्या होता है आपका, एज अ फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट फॉर्म हो जाता है जबकि मेल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो किस तरीके से आपकी मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का एजुकुलेशन होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो कुछ हार्मोन्स तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए, प्लस मैं आपको आज पाथ इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि किस पाथ के थ्रू आपका मिल्क का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं मेमोरी ग्लैंड्स में, तो अगर आप देखोगे तो एज अ जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं आपकी वो आपकी एज अ डायरेक्टली, यानी कि एक वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे फीमेल्स के लिए अगर हम लोग ब्रेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो मेल्स के लिए चेस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। उसके पीछे का एक डिफरेंस रीजन भी है, दोनों के लिए हम लोग चेस्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली है बोला चेस्ट ही जाता है, लेकिन फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो एक आपकी मसल्स होती है एज अ पेक्टोरलिस मसल्स, ठीक है। पेक्टोरलिस नाम की एक मसल्स होती है जो कि ईजिली अगर चेस्ट को एज अ ब्रेस्ट से एज अ अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो एक पेक्टोरलिस मसल्स होती है जो कि उन दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करती है। अदरवाइज आप दोनों के लिए, मेल्स के लिए फीमेल के लिए चेस्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉर द रीजन ऑफ पेक्टोरलिस मसल्स जो कि एज अ कनेक्ट कर देती है उनको, इसलिए फीमेल्स के लिए बच्चों ब्रेस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो आपका ये पोर्शन जो रहता है आपका पेक्टोरलिस मसल से के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है फीमेल चेस्ट से। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको प्रत्येक में आपको 15-20 लोब्स देखने को मिल जाते हैं। क्या देखने को मिल जाते हैं बच्चों, लोब्स। ये लोब्स आपके डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं एज ए एल्यूलाइक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, जहां पर आपका मिल्क का फॉर्मेशन होता है बच्चों, है ना, आफ्टर हम कह सकते हैं जब फीमेल एज अ प्रेगनेंसी कंसीव कर देती है उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो उसके बाद जस्ट आपके 15-20 लोब्स जो आपके हैं यहाँ पे आपकी एल्डाई हैं, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो उसके बाद आपकी मेमोरी डक्ट्स आती हैं आपकी। अगर आप इन पोर्शंस को देखोगे तो हम लोग बोलेंगे ये क्या होती है बच्चों, आपकी मेमोरी डक्ट्स में ओपन हो रही होती है आपकी। मेमोरी डक्ट्स आपकी फर्दर कंटिन्यूसली आगे ओपन हो रही थी आपकी मेमोरी ट्यूबल्स में ओपन हो रही होती है आपकी। मेमोरी ट्यूबल्स अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको एज अ वाइडर पार्ट हम कह सकते हैं, एक एम्पला वर्ड यूज होता है एज अ वाइडर पार्ट के लिए यूज होता है, तो आपकी बहुत सारी मेमोरी ट्यूबल्स मिलके एक जगह पे एक वाइडर पार्ट फॉर्म करती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पला। तो एम्पला आपका वाइडर पार्ट के लिए वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। मेमोरी वर्ड लगा दो तो हम लोग कह सकते हैं मेमोरी एम्पला भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्लस मेमोरी एम्पला जो है आपका वो फर्दर चल के एक डक्ट्स में ओपन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लेटिसिफेरस डक्ट। ये जो मैंने नाम इंडिकेट कर रखा है आपका लेटिसिफेरस डक्ट, और जो बच्चों लेटिसिफेरस डक्ट जो होती है आपकी वो फर्दर कंटिन्यूसली ओपन होती है थ्रू निप्पल, जहां से होके बच्चों क्या होता है जब एज अ बेबी जब आपका एज अ सक करता है तो मिल्क का फॉर्मेशन क्रिएट होता है आपका, ठीक है। अब कौन से रीजनों से आपके हार्मोन्स इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इंडिकेट करूंगा, ठीक है। बाकी का आपका पाथ ये रहता है जिसमें अगर हम देखेंगे तो 15-20 मेमोरी लोब्स होते हैं आपके विद एल्यूलाई होती हैं आपकी उसमें, जो कि मिल्क का फॉर्मेशन करती है बच्चों, है ना, वो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड होती है मेमोरी ट्यूबल्स में। मेमोरी ट्यूबल्स आपकी मेमोरी डक्ट में ओपन होती है, मेमोरी डक्ट आपकी एज अ वाइडर पार्ट ऑफ एम्पुला मेमोरी एम्पुला में ओपन होती है, मेमोरी एम्पुला आपका कंटिन्यूसली ओपन होता है बच्चों किसमें, लेटिसिफेरस डक्ट में, और लेटिसिफेरस जो डक्ट है आपकी वो फर्दर जब बेबी मिल सक करता तो वहां से आपका मिल्क का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। प्लस अगर एक और चीज की बात करें यहां पर तो एज अ निप्पल्स के सराउंडिंग में आपका एज अ हाईली पिगमेंटेड रीजन पाया जाता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं एरियोला,
ठीक है। तो एरर वाला जो रीजन रहता है आपका, वो हम कह सकते हैं कि एज अ सेक्स को स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी आपका, ठीक है। तो हमने ओवरऑल कहीं हद तक देख लिया है, हमने आपका एक्शन जेनरली बहुत अच्छे से पढ़ लिया। सो बच्चों आप बस हमने कंटिन्यूसली बनाए रखो जितना हो सके। हम लोग पार्ट वन हमने स्टार्ट कर दिया है, पार्ट टू में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।